बच्चा मेहनती है, 22 साल का ये अभी एज हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। अच्छा वैसे टारगेट क्या, जीएसटी में जाना, इनकम टैक्स में, या कहाँ जाना है, या सीपीओ दिल्ली पुलिस में जाना है? जीएसटी में जाना है, एक्साइज। जीएसटी एक्साइज में जाना है। वंदे मातरम, जय हिंद। और आज हमारे साथ है एक कैंडिडेट जिसने एसएससी में स्टेनो में 60 रैंक निकाली है पूरी इंडिया में, और ये बच्चा आप लोगों के बीच से ही है। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी का ये छात्र है, और ये जो एरिया लगता है झांसी के साथ, ये बॉर्डर ही शेयर करता है ये डिस्ट्रिक्ट, और इनका नियर बाई जो पड़ता है वो झांसी। वैसे मध्य प्रदेश से हैं और झांसी इनका नियर बाई पड़ता है। तो बेटा सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो ये बताओ, स्टेनो का जो आइडिया दिया वो किसने दिया? क्योंकि अमूमन बच्चे स्टेनो का फॉर्म नहीं डालते, क्योंकि स्टेनो आपको सीखनी भी पड़ती है, तो ये किसने आइडिया दिया? नहीं, हमारे यहाँ क्या है, स्टेनो का अच्छा क्रेज है, और बहुत से पहले भैया सिलेक्टेड भी ऐसे से स्टेनो, मतलब हमारे शहर से। अच्छा, शहर से स्टेनो सिलेक्टेड हुए का पूरे एमपी में नाम है स्टेनो में। स्टेनो का फॉर्म वही बच्चा डाले जो बच्चा स्टेनो को जानता हो, क्योंकि इसके लिए एक स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसमें स्पीड कितनी चाहिए? स्पीड 80 और 100 दो। 80 के 100 के अराउंड ये स्पीड चाहिए। स्टेनो एक ऐसी भाषा होती है जहां जजेस जैसे आप, जैसे मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूं उस स्पीड में वो नोट करने का वो काम करते हैं। तो भाई शिव, जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ स्पीड से फटाफट सारा काम नोट कर दोगे? हाँ सर। स्टेनो, और इसकी जो भर्ती होती है केवल अलग अलग डिपार्टमेंट में तो होती है, कोर्ट्स वगैरह में हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, टूरिज्म में, हर जगह स्टेनो की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बच्चे कर सकते हैं इस कोर्स को करिए। कितना समय लगा स्टेनो को सीखने में? 8 से 10 महीने लगते हैं। 8 से 10 महीने पूरा एक्सपर्ट हो गया था? हाँ सर। अच्छा, साथ साथ पढ़ाई किया सर, स्टेनो भी सीखी? साथ साथ पेपर की भी तैयारी की। तो साथ साथ पेपर की भी तैयारी की। अच्छा, फॉर्म जब तुमने डाला था तो स्टेनो आती थी या बाद में सीखी फिर? स्टेनो आती थी, क्योंकि अब एसएससी बहुत फास्ट हो गया, इस बार इसके लिए बस 2 महीने का समय दिया था। अच्छा, 2 महीने का समय था, तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मान लो बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाए तो कितने टाइम में सीख सकता है सिर्फ स्टेनो पे लगे तो? तो 6 से 7 महीने कर लेगा। 6 से 7 महीने में स्टेनो। अच्छा, ये होती है एक स्किल, स्किल मतलब कौशल। एक कौशल आपने डेवलप कर लिया तो आपने अपनी एक और लाइन ओपन कर ली, और इसमें पे ग्रेड भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी आपको जो इनकम टैक्स मिला है उसमें रैंक क्या है आपकी? इनकम टैक्स में रैंक 14 है। 14 है, तो जोन आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा, प्रेफर्ड जोन मिल जाएगा। प्रेफर्ड जोन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ, कितने ग्रेड पे हुआ? सर 2400 ग्रेड पे हुआ। वैसे मेरे मार्क्स 4600 के अकॉर्डिंग थे, एमई मिल जाता, पर स्किल में 0.3 मिस्टेक ज्यादा आ गए, इसलिए नहीं हुआ। इनके मार्क्स अच्छे खासे थे, मार्क्स का भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन जब स्किल टेस्ट हुआ तो वहां पे इनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई, जिस वजह से 2400 में, अदरवाइज इनको 4600 पे ग्रेड मिलता, जो लगभग इक्विवेलेंट एक्साइज इंस्पेक्टर के वही ग्रेड मिलता, तो एमईए इनको मिल जाता। तो ये बता भाई, कितने कितने नंबर लिए? रीजनिंग में कितने नंबर आए? रीजनिंग में 49 क्वेश्चन राइट थे, बस एक क्वेश्चन मिस्टेक से, वो सबसे इजी क्वेश्चन था और उस पूरे पेपर का आंसर क्यों देगा। अक्सर वही होता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है ना वही गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक। तो इस बच्चे ने रीजनिंग में 50 में से 49 नंबर को स्कोर किया। अच्छा, रीजनिंग की जो तैयारी की, तो कैरेविल पे आपने बैच खरीदा? हाँ, मैं आपका बैच खरीदा और उसके बाद बस सीट प्रैक्टिस की और कुछ नहीं किया, डाक मॉक दिए। अच्छा, रीजनिंग स्पेशल का बैच आपने लिया तो सीट को प्रैक्टिस किया, तो उससे क्या हुआ, लगा कि भाई कर लेंगे कवर? हाँ सर, आराम से। कॉमन बैच लिया था, सिर्फ रीजनिंग का बैच लिया था हमारे यहाँ? मैं रीजनिंग का बैच लिया था, जयदीप सर इंग्लिश का बैच लिया था, इंग्लिश से मेरे 92 मार्क्स 100 में से, 100 में से 92, सीजीएल में 135 में से 128 थे। अच्छा, सीजीएल का अटेम्प्ट भी उन्होंने दिया था, तो सीजीएल में मेंस तक पहुंचे थे? हाँ, 2022 में कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर 23 में मैंने सोचा एक जॉब कंफर्म करना है, तो फिर 10 से 23 में मैं सीजीएल नहीं दिया, उसमें नहीं हो पाया था, अब 24 में। तो रीजनिंग में क्या स्कोर रहा मेंस में? रीजनिंग में 28 क्वेश्चन करेक्ट थे। अच्छा, 28 क्वेश्चन, 30 में से 28 क्वेश्चन ये बच्चा जो है ये सही। सर मैं तो आपसे पढ़ के बैंकिंग भी दिया प्री और उसका मेंस दिया, उसमें मेरे रीजनिंग में प्री सारे करेक्ट थे, 30 में से 30 क्वेश्चन। अरे वाह, तो ये बैंकिंग का प्री भी दिया उन्होंने इस बैच से पढ़ के, मेंस भी दिया पर उसमें हुआ नहीं। लेकिन ये बताओ भाई, जैसे रीजनिंग का एक बैच है तो उससे सारी चीजें कवर हो जाती है, टारगेट कर लेंगे आप? यानी उस बैच से आपको एसएससी, सीजीएल, एमटीएस? मैं आपके बैच पढ़ा था, उससे एमपी पुलिस भी निकाला है और बैंकिंग निकाला, एसएससी और जेईई एग्जाम हो जाए। अच्छा, ये एग्जाम आपने क्वालिफाई किए थे, तो अभी आगे आपका लक्ष्य क्या है? अभी तो 24 वाला दिन है, 4600 ग्रेड को या स्टेनो से या सीजीएल, दोनों से स्टेनो या सीजीएल जो भी आपको मिल जाए लेना। तो थोड़ा सा बताओ बेटा, पढ़ाई कहाँ हुई, कोई सरकारी स्कूल था या प्राइवेट था, कैसे क्या हुई? शुद्ध सरकारी स्कूल इंटर तक। शुद्ध सरकारी स्कूल इंटर तक, उसके बाद बीए किया और मतलब ऑफलाइन भी कहीं कोचिंग नहीं की। कोरोना में 2021 में आपका बैच लिया था, जयदीप सर का लिया था, और अभी मैथ पढ़ रहा हूँ गगन सर से।
तो इस बच्चे ने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली और सिर्फ ऑनलाइन के दम पे इसने इंग्लिश का बैच लिया, जयदीप का, मेरा रीजनिंग का बैच लिया और गगन सर का मैथ्स का बैच लेके उसी के दम पे इन्होंने जो है ये क्वालिफाई कर लिया। तो ये बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई शहर में है, गाँव से है भाई, प्रॉपर गाँव से ये बच्चा बिलोंग करता है। और जो पारिवारिक बैकग्राउंड है इसका वो भी खेती बाड़ी ही है, कोई ऐसा भी नहीं है कि परिवार में पहली जॉब है, एसएससी सेंट्रल में तो शायद आसपास में पहली गांव। तो इनके परिवार में ये पहली जॉब है, एक बहुत बड़ी बात इसने बोली, और एसएससी में तो शायद ये कहने कि आसपास में कोई पहली ही जॉब होगी। तो अब गांव में माहौल कैसा बन रहा है अभी कैरेवल का? गांव में कैरेवल पे पहले से भरोसा, अभी सिलेक्शन से पहले ही 50 प्लस कोर्स दिलवा चुका हूं बच्चों को। अच्छा, गांव में 50 प्लस कोर्स दिलवा चुके हैं गांव में, और दोस्त रिश्तेदार जो जो भी पूछते हैं कैरेवल बताते हैं। कैरेवल अभी मैं जो हमारी स्टेन में कोचिंग है, ऑफलाइन सर ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, तो सभी बच्चों को कैरेवल का सजेस्ट किया, उनको भी करना है तैयारी सारे बच्चों। तो हम वहाँ तुम्हारे गांव में जाए तो पहचान लेंगे बच्चे हमें? अरे सर, आप गांव में जाओ कहीं भी पहचान लेंगे आप आ जरूर। तो ये जो बच्चे हैं गांव में, आज जो भरोसा कैरेवल पर ने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, बेहतरीन कंटेंट आपको देते हैं और ऐसा आपको गाइड करते हैं स्पेशल बैच में कि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि अभी इसके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम में इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे भी कोई एग्ज़ाम होगा ये निकाल लेगा। तो तैयारी अभी थोड़ी पढ़ाई चल रही है, थोड़ा सा अभी तो अभी 8 फरवरी को रिजल्ट आया तो सबसे कर नहीं पाया, बस सब स्टार्ट ही करना है। अच्छा, एज कितनी हो गई भाई? अभी मई में 22 हो जाएगी। तो 22 साल की एज में इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। एग्जाम इन्होंने और भी क्वालिफाई किए, एसएससी सीजीएल में भी इनका अच्छा रैंक बनता, लेकिन कंप्यूटर की वजह से ये नहीं दे पाए। सीपीओ का भी एग्जाम का प्री इन्होंने निकाल लिया था, कोई फैमिली बैकग्राउंड या इश्यू की वजह से ये उसका फिजिकल देने नहीं जा पाए, तो इसलिए वहाँ पे भी इसका जो है सिलेक्शन रुक गया। लेकिन बच्चा मेहनती है, 22 साल का ये अभी एज हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। अच्छा, वैसे टारगेट क्या, जीएसटी में जाना है, इनकम टैक्स में, या कहाँ जाना है, या सीपीओ दिल्ली पुलिस में जाना है? जीएसटी में जाना है, एक्साइज। जीएसटी एक्साइज में जाना है, और पोस्टिंग आपकी नियर बाई कहीं हो जाए, वहीं रहना है? हाँ सर। अगर दिल्ली पोस्टिंग होगी तो मम्मी पापा आ जाएंगे यहाँ? नहीं सर, दिल्ली तो मैं इस बार ही मिल रहा था सीएसएस में, पर मैं लिया ही नहीं, दिल्ली पसंद ही नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और भीड़ इतनी ज़्यादा है। कल मैं मेट्रो में देखा तो कल ये भाई मेट्रो में आया तो इतनी भीड़ थी, तो दिल्ली इसको पसंद ही नहीं है। और सही बात है, जो गांव के खुले माहौल में रह गया ना, वो दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह सकता। बेसिक जीवन के लिए दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, हवा और पानी, और दोनों ये खूब पॉल्यूटेड हैं दिल्ली जैसे शहर में। हमारी भी एक मजबूरी है यहाँ रहना, लेकिन मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है कि कभी भी जब हम इस योग्य होंगे, काबिल होंगे, या 5-10 साल बाद जब पढ़ाना छोड़ देंगे, तो ऐसे ही खुली जगह में जाएंगे और जहाँ पे हम अपना जो है रिटायरमेंट का जीवन काट सके। बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे भाई, कितने टाइम की तैयारी में बच्चा सिलेक्शन ले सकता है? 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, आपकी नज़र में क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर एवरेज भी है तो 1 साल, हाईएस्ट 1.5 साल लगेगा बस। लेकिन वो क्या है, बैच कंप्लीट करे, स्टार्टिंग से लिया, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करे, उसके बाद मिसलेनियस हो, बस मॉक लगाया, उसका हो जाएगा 100%। किसी कारण नहीं हो तो सेकंड अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा। तो 1.5 साल का समय इसने कहा कि अगर 1.5 साल का समय भी ईमानदारी से लगा देना, बैच ले ले, बैच कवर होने में 5-6 महीने लगते हैं बस, बैच कवर बीच में ही छोड़ देना ज़्यादातर लोग तो यही। हाँ, तो ये देखो, ये बच्चा सही बोल रहा है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, बैच कंप्लीट करने से भी कुछ नहीं हुआ सर। ये बच्चा बता रहा है कि आधे बच्चे बीच में ही बैच को छोड़ देते हैं, मान लो 2 दिन क्लास नहीं हुई, 3 दिन क्लास नहीं हुई, 3 क्लास का बैकलॉग इकट्ठा हो गया, वो कवर हुआ ही नहीं, बस छोड़ दिया फिर बैच। सर, मैंने अभी तक आपकी यहाँ जैसे किसी की भी लाइव क्लास तो लिए नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं लेता ना कभी, कमेंट मैं लाइव ही नहीं ली तो कमेंट क्या करेंगे। तो देखो, एक कमेंट भी नहीं कर पाया। अभी ये बच्चे कहते हैं सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो आप, इस बच्चे ने कभी कमेंट ही नहीं किया क्योंकि इसने रिकॉर्डेड के माध्यम से बैच को लिया है। और जब रिकॉर्डेड के माध्यम से बैच को ले लिया तो कोई समस्या महसूस होती है भाई? नहीं, कोई डाउट आया नहीं है, मुझे लगता है ऑफलाइन से भी अच्छे डाउट क्लियर होते हैं। खैर, मैं ऑफलाइन कभी गया नहीं, लेकिन ऐसा लगता है हम ऑफलाइन का कभी किसी को सजेशन देते ही नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम की बर्बादी और फीस भी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा आए इधर तो आईएएस बन जाती फीस में। तो ये बच्चा कह रहा है कि अगर यही फीस ऑनलाइन कोर्स खरीद ले तो आईएएस बन जाए। तो हमने छोटे छोटे गांव शहरों में रहने वाले बच्चों के सपने को साकार करना था, इसलिए हमने एक लिमिटेड फीस रखी और 999 रुपये में हम आपको बैच दे रहे हैं और 5 महीने पढ़ा रहे हैं। सर, ऑनलाइन नहीं होता तो हम कभी एसएससी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए दिल्ली आना पड़ता, दिल्ली तो आ नहीं पाते। अब ये बच्चा यही कह रहा है कि भाई अगर ऑनलाइन होता तो हमें दिल्ली आना पड़ता, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो दिल्ली में पीजी का खर्चा, कोचिंग का खर्चा माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते, प्रेशर के ऊपर से फैमिली का, क्या फैमिली प्रेशर था घर पे, तो ठीक है। तो माता पिता का रिएक्शन क्या रहा, रिजल्ट कब सुनाया उन्हें? जब आया था उसके जस्ट पहले पापा ही फोन लगाया, फिर और दादा वगैरह? नहीं, दादाजी दादी जी तो एक्सपर्ट नहीं। अच्छा, तो और भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं? हां, ताऊ हैं,
ताऊ हैं, तो और बाकी जो बच्चे परिवार में वो क्या कर रहे हैं? वो भी तैयारी कर रहा, कोई SSC GDE कर रहा, कोई अभी CGLE कर रहा। तो अब तो तुम उन्हें गाइड कर सकते हो? सर मैं तो पहले से ही गाइड कर रहा, अभी भी कर रहा, अभी और जाना कर। अब से रिजल्ट आ गया तो लगातार फोन आ रहे कहाँ से फोन आ रहे हैं? मतलब दोस्तों के, और क्या हमें भी करना है जो कि आज इसके कैसे सिलेक्शन, लाइब्रेरी से भी बहुत सारे बच्चे वैसे ज़्यादा कैरेबल से ही पढ़ते हैं, फिर वो बुला रहे हैं कि बताओ हमें भी पढ़ना। तो अभी इनके पास समय भी है और हमारी शुभकामना इनके साथ है कि जीवन में आगे बढ़े। UPSC जाने का कोई प्लान है? सर अभी तो CGL के बाद, उसके बाद सोचेंगे। अभी CGL के बाद सोचेंगे, CGL भी अगर रैंक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा ये बताओ लाइब्रेरी का कितना महत्व है तुम्हारे हिसाब से बैठ के पढ़ने का? मैं पूरा हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, बस पिछली साल ही खुली लाइब्रेरी। हमने तहसील है जो बगल करेरा, वहीं पे रूम किराए से लेकर वहीं पे रहते थे, उधर ही कोर्स कंप्लीट किया सब। उसके बाद फिर लास्ट में अभी लाइब्रेरी खुली तो पेपर से 2 महीने पहले ज्वाइन की थी। सुबह 6 बजे आती थी, शाम को 7-8 बजे तक। सुबह 6 से शाम 7, 12 घंटे की सेटिंग हो जाती थी, उसमें 8-10 घंटे का आउटपुट निकला था। अच्छा फिर ये बताओ नोट्स बनाए? और बच्चों को भी उससे हेल्प मिलती होगी जो नोट्स आपने? हाँ, इंग्लिश के और रीजनिंग के, मतलब इंग्लिश के नोट्स तो कई सारे। अच्छा नोट्स डेली की डेली बनाते थे? कैसे बनाते थे? डेली क्लास और डेली नोट्स साथ में, मतलब क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता था, लाइक क्लास लाइव खत्म हो जाती उसके बाद रिकॉर्डेड स्पीड से देख लेते थे, जो चीज समझ में आ रही थी उसको 2x पे कर लिया, समझ में नहीं आ रहा इसको नॉर्मल पे देख लिया अपने हिसाब से नोट्स। अच्छा चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं या पूरा प्रॉपर लिखा नोट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाता तो लगभग रीजनिंग के नोट्स कितने? एक बस छोटी सी कॉपी है रीजनिंग, एक छोटी सी कॉपी में रीजनिंग, क्योंकि उस पे रीजनिंग में ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। इस कैलेंडर में है तो कुछ लिखना पड़ेगा, नॉन वर्बल में तो कुछ लिखना ही नहीं है, थोड़ा बहुत लिखना जी है। तो नोट्स में भी ये कह रहा है कि भाई पूरे बंडल बना के बंद वो किसी को दिखाने नहीं, वो शो पीस नहीं है। डायरेक्शन में क्वेश्चन शॉर्ट में कुछ करना है वो बताया है। तो जिन चैप्टर्स में जहाँ पे ट्रिक लग सकती है, रैंकिंग है, कंपैरिजन टेस्ट है, अल्फाबेट टेस्ट है, इनके नोट्स आप लिखिए। और ये दो दो ढाई ढाई चार चार पेज में खत्म होने वाले चैप्टर हैं, इनको आप लिखेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। नॉन वर्बल में कहीं भी जरूरत नहीं है, मात्र प्रैक्टिस है। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग का जो रोल है, अच्छा स्टेट एग्जाम भी कोई भरा था भाई मध्य प्रदेश का? MP पुलिस का दिया था। MP पुलिस में उसमें क्या रहा? उसमें 75 मार्क्स थे। 75 मार्क्स अभी नहीं, अभी आया था एक बार, पिछली बार 2022 में दिया था, अभी ये नहीं दिया। अच्छा ये नहीं दिया, अभी भी हुआ था, पिछली साल ही हुआ था। तो स्टेट एग्जाम को प्राथमिकता दोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को? सेंट्रल के, स्टेट का तो कभी नहीं, उसमें पेपर नहीं होता। अभी आपने देखा यूपी पुलिस का लीक हो गया, उसमें सही तो यह है कि सेंट्रल में क्या हर साल वैकेंसी आती है तो फेल भी होते रहो बार बार, तो मोटिवेशन रहता है। मैं इससे पहले लगभग 10 पेपर में फेल हुआ SSC बारे में, MTS भी नहीं निकला, CGL CHL कुछ नहीं निकला, फिर इस साल से निकलने लगे जब लेवल बन जाता है। अच्छा कब नहीं निकला तुमने, कौन कौन से 8-10 एग्जाम दिए? हाँ मैं MTS भी नहीं निकला पिछली बार, एक बार फिर दोबारा। कौन से साल में नहीं निकला? जो मैं 2021 में स्टार्ट, 2021 में शुरुआत थी इस बच्चे की, तो इसका MTS हो गया, CHSL हो गया, दो बार CHSL हो गया, फेल GD तो कभी नहीं दिया, CHSL में भी दो बार फेल, CGL भी नहीं निकला एक बार, फिर 2022 में निकला था। तो तैयारी कब शुरू की? 21 में लिया था मैंने, 21 में शुरू की तैयारी की, बच्चे ने पेपर दिया तो नहीं निकला, तो डिमोटिवेट नहीं होगा सोचा? उसमें क्या डिमोटिव, आपने पता है मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिस की दिक्कत है। अच्छा सिलेबस कंप्लीट होते ही एग्जाम में फर्क दिखा आपको? हाँ सर, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसमें अच्छे, मतलब पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर मॉक लगाए तो हो गया। प्रीवियसली लगाए, मॉक भी नहीं किसी के रिलेवेंट कोई से प्लेटफॉर्म से, बस प्रीवियसली लगाया, तो प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने लगाए। और कई बार ऐसा होता है हम क्लास में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं टाइप तो वही आना, कई बार टाइप तो वही आना है, सेम भी आ जाता है, कई बार हुआ भी आ जाता है सर, सेम से, तो क्वेश्चन भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मकसद था, ये बच्चा हमने इनको कॉल किया, इनका सिलेक्शन हो, ये इतनी दूर से आ गया, तो ये ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे, इसने आते कहा सर मुझे तो वैसे भी मिलना था, मैं मिलना चाह रहा था कि हमने आज तक आपको स्क्रीन पे देखा है, नौकरी जाना खुशी था आपको सामने देख कर लिया तो ये भाई की ये तो आप लोगों की जो है मेहनत है, आपकी नौकरी आपको मिली, तो इस बच्चे को खुशी है कि हम इसके सामने हैं, फेस टू फेस हो गए हैं। हम सभी बच्चों को ये कहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो तो हम आपका ज़रूर इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आपने वो मेहनत की है,
जिस दौर से आप गुजरे हैं उस दौर से हम भी गुजरे हैं, तो हमें पता है कि सफलता के मायने क्या होते हैं, और सही मायने में सफलता अभी इसको और हासिल करनी है, क्योंकि अभी इसकी मेहनत ये चालू है। अब ये मेहनत से करके कुछ अच्छे रैंक जरूर सिक्योर करेगा, जो इसने लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए हैं। कितने भाई बहनों भाई सगे तुम? दो भाई दो बहन। दो भाई की शादी हो गई, अभी भैया इंटर में और बहन अभी तैयारी कर रही है, बहन अभी तैयारी कर रही है स्टेट के लिए। तो यहाँ पे एक बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो वो पूरे परिवार के लिए भी, गांव के लिए भी। इसके इंटर के पेपर हो जाएंगे मार्च में, तो कैरियर सही करेगा, सीजीएलई करना उसको भी। अच्छा, जैसे एक कोर्स लेके दो तीन जने देख लेते हैं उसमें से? हाँ, घर पे एक कोर्स लेके लैपटॉप, तो ये तो फायदा देखो ऑनलाइन का। मोबाइल में एक कोर्स खरीद लिया, भाई नहीं पढ़ लिया, सिस्टर नहीं पढ़ लिया, रिकॉर्डेड देख लो एक घंटा, वो पढ़ ले डेढ़ घंटा, वो पढ़ ले डेढ़ घंटा, वो पढ़ ले। तो हम ये भी नहीं कहते कि आप इंडिविजुअल कोर्स लो। मेरे भाई ने तो 10th भी कैरियर से किया था, उसने मतलब पहले 9th तक उसका मैथ बेसिक बहुत कमजोर था, उसका इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी वो मेरे जैसे मैथ पढ़ता हूँ, सर ज्योमेट्री तो सब कुछ आता है। कैरियर ने पहले 9th का कोर्स अब अपनी कक्षा के नाम से आता है। हाँ, वो तो उससे भी क्या है, उससे 10th से ही किया उसने। तो ये तो है कि हमने ट्यूशन तो खत्म कर दिए, बाहर जाना, ट्यूशन में तो फीस ही बहुत जाना, और उसमें बेसिक मतलब सही चीज़ नहीं सीख पाता है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कैरियर पर जो स्कूल का कोर्स था। तो यहाँ पे कैरियर पर नाम ही डिटेल, इसलिए हमने स्पेशल बैच ही नाम रखा है उस चीज़ का। स्पेशल बैच तो रामबाण रामबाण है, तो स्पेशल बैच रामबाण है, और हर महीने की 7 तारीख को हम लॉन्च करते हैं, हमने फिक्स कर रखा। तो इस बच्चे ने भी लिया था, तो देखो हो सकता है कुछ बच्चों को 999 रुपये भी ज़्यादा लगे, हो सकता है कि वो अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन उससे कम में हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें भी बहुत सारे खर्चे देखने होते हैं, GST गवर्नमेंट को ईमानदारी से जाता है, सर्वर के खर्चे हैं, स्टाफ का, लेकिन फिर भी हमारे ये कि कम से कम फीस में अगर आपने बैच ले लिया तो हम बिल्कुल स्लो पढ़ाते हैं, फास्ट नहीं पढ़ाते कि एक बार बच्चा अच्छे से सीख ले। स्पीड कैसी रहती है भाई जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन? स्पीड मतलब मैं नॉर्मल में तो कभी लिया ही नहीं है, 2x स्पीड लगता है। हां 2x स्पीड, 2x नहीं लेकिन 1.5 पे चलता है मेरा, 1.5 पे। तो इसलिए हमने फैसिलिटी अवेल कराई थी कि भाई जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है, जैसे इस बच्चे का लेवल मुझे लगा थोड़ा ठीक है, 10वीं में कितने नंबर आए थे? 86, तो इसका बेस ठीक था। जो बच्चा ऐसा पहली बार पढ़ रहा, तो उसके लिए हमें बहुत स्लो चलना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, तो धीरे 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 वो लेवल पर आ जाता है। ये रिकॉर्डेड इसलिए देखता था क्योंकि इसको लगता था कि मैं 1.5 गुना स्पीड से भी सर को कवर कर लूंगा, तो हमें लाइव में नेट वो डेटा का इशू रहता है ना, उसमें क्वालिटी भी सही सेट नहीं हो पाती, कभी कभी जान चल जाता है, लाइव में नेट का भी इशू रहता है। तो YouTube वगैरह भी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते थे? हाँ सर, YouTube किया मैंने, पहले आपकी YouTube पर वो कैलेंडर की मैराथन देखी थी। अच्छा, कैलेंडर की मैराथन। तो कैरेबल के बारे में किसी ने बताया, कहीं YouTube से पता चल गया था तुम्हें? कैरेबल के बारे में पहले एक मतलब भैया हैं, वो उधर ही CGL में था, श्रृंगा डिवीजन अकाउंटेंट, जब सीपरी में पहले साल में गया था तो उन्होंने बताया था कि मतलब मैं स्टेट SI के लिए गया था, तो उन्होंने कहा था कि स्टेट में वैकेंसी बहुत कम आती है, तुम सेंट्रल में करो तो उसमें हर साल वैकेंसी है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ से भी नहीं हो पाया कभी ऑफलाइन, आप कैरियर एक आप बताया था, उन्हें इससे करो इससे हो जाएगा। फिर मैंने सोचा ऑनलाइन में क्या पढ़ा देंगे, समझ में कैसे आएगा, हमने आपका ऐप डाउनलोड कर लिया, कुछ नहीं किया। फिर जब सेकंड वेव आई तो घर पर जाना ही परेशान होगा, उसके बाद फिर आपका पहले जदीप सर का बैच लिया, उसमें इतना अच्छा समझ में आया, फिर मैं आपका लिया अगले महीने, फिर GS का लिया ऐसे। तो ये एक धारणा बन जाती है, माता पिता भी कहते हैं भाई मोबाइल में क्या पढ़ेगा। हाँ, मेरे पास भी बहुत मतलब वो कहते हैं इंदौर जा, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कैसे नहीं पैसे के चक्कर में क्यों नहीं जा रहा, सब अपने गांव के सब बच्चे इंदौर पढ़ रहे थे वो, पर मैंने पेशेंस रखा, मुझे पता है जिसने डायरेक्ट हो जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। माता पिता चाहे पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जगह से पढ़ ले, खेतीबाड़ी होने के बावजूद भी इस बच्चे को पैसा लगाने तैयार थे कि इंदौर जा वहाँ पढ़ ले, मोबाइल में कैसे पढ़ेगा ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा। जैसे इस बच्चे ने बैच लिया, इसको पढ़ना लगा कि हाँ भी समझ में सब, मुझे विश्वास था कंटेंट बहुत खतरनाक है, उससे हो जाएगा आराम से। तो उसके बाद इन्होंने मैथ इंग्लिश का लिया, फिर रीजनिंग। जो हमारे दोस्त भी हैं इंदौर पढ़ रहे हैं ग्वालियर, वो भी आपसे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, मतलब खुद मैंने उनके बैच दिलाया फोन में आता है, चाहे इंदौर में रह के भी आपसे ही पढ़ते हैं, इंदौर में रह के पढ़ रहे हैं। अभी मेरा दोस्त है अभी UPSC कर रहा है, मैं रात में उसके रूम पे रखा था, वो खुद आपसे रीजनिंग कर रहा सीसेट के लेते गया। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रहते तो घर से बाहर लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस क्वालिटी पे भरोसा है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। टॉपिक पूरे हम कराते हैं, कंटेंट पूरे हम कराते हैं, और विश्वास हमने बहुत थोड़े समय में बना लिया। कैरेविल कोई बहुत पुराना प्लेटफॉर्म नहीं है, लॉकडाउन में उठा हुआ एक छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमने मेहनत की है और जिस पर आज हज़ारों हज़ारों सेलेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं भाई। और भी कोई हम में कोई सुधार चाहते हो आप लोग तो बता सकते हैं ऑन कैमरा। नहीं सर, आपका सही है, सही लग क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट होता नहीं, अपनी गलतियों से सीखता है।
तो हम भी फीडबैक लेते रहते हैं, कुछ कमी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी जो इंटरव्यू देख रहे हैं, ये इंटरव्यू आपके मोटिवेशन के लिए होते हैं। हम यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे कि इस बच्चे का सिलेक्शन हमने करा दिया, इनके सिलेक्शन में हमारा कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ इनको रास्ता दिखाते हैं और मंजिल तय करने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ती है। सर मेरा इंटरव्यू से ज़्यादा बस मिलने का था। हाँ, मिलने का था, मिलने से मोटिवेशन होगा। हमारा इंटरव्यू का मकसद ये है कि जब हम इसको YouTube चैनल पे डालेंगे तो सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे, कई बच्चों का देखा, हमें लगा यार जब ये भी गांव से निकल सकते हैं तो हम कहेंगे बहुत जरूरी रहता है। तो इंटरव्यू देख के इन्हें भी लगा कि भाई ये बच्चा निकल सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आज इनका सपना पूरा हो गया और आज ये कैरेविल में यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू करा रहे हैं। तो 200 किलोमीटर दूर से ये आए हैं, 400 किलोमीटर। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि बच्चा मिलने के लिए इतनी दूर से आया है, और अब इनको वापस भी जाना होगा तो ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो भैया, डलवा देंगे एडिट करके। कैरेविल एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत मतलब कैरेविल की टैगलाइन है बेहतर कम फीस पर बेहतर एजुकेशन, वो एकदम परफेक्ट है। तो कम फीस पर बेहतर शिक्षा, वो सटीक बैठती है, और सरकारी नौकरी की पहली पसंद ही कैरेविल एप्लीकेशन। मतलब बच्चों के साथ एक सेटअप भी बहुत सही होता है, ऐप भी इतनी स्मूथ चलती है सब, मतलब एकदम कैटेगरी वाइज कुछ ऐसा हॉटस्पॉट नहीं होता है कि कभी ऐप ही नहीं चले, कुछ नहीं हो रहा, वीडियो डाउनलोड करो, सब सही चलता है। मतलब ऐप बहुत फ्रेंडली है कैरेविल का, जैसे तो यूज़र फ्रेंडली ऐप हमने बनाया है, और इसमें आप एक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हो। टॉपिक्स के प्रॉपर नाम डाले जाते हैं, क्लास नोट्स डाली जाती हैं, PNG डाले जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर लगता है यार मैं तो मोबाइल ही पहली बार चला रहा हूँ, वो भी आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है, उसको चला सकता है। तो बैच की पेमेंट की कैसे थी, साइबर कैफे पर जाके या खुद से कर ली? नहीं, खुद से ही की थी सर। खुद से हो जाती है, आप गांव में UPI वगैरह चल गया तो? फोन पे से है। तो आजकल जो मैं पहले याद हो तो पापा के ATM कार्ड से किया था, ATM कार्ड जब मैं चलाता नहीं था फोन पे। तो चलिए भाई शिव कुमार, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा, शुभकामनाएं हैं, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करो। हम उम्मीद करेंगे तो तुम्हारे जो भाई बहन हैं वो भी पढ़ गए, लिख के लग जाएं, और जब पढ़ लिख जाएं तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सर। जब दोनों भाई बहन या भाई आओगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि ये बच्चे जरूर आए, मेहनत की और सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुक्रिया, जय हिंद।